लद्दाख के स्टेटहुड की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सोमवार को अपना अनशन खत्म कर दिया। वे पिछले 15 दिन से हड़ताल पर बैठे थे। सोमवार को उन्हें गृह मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि लद्दाख की मांगों पर दिसंबर में फिर बातचीत शुरू की जाएगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रशांत लोखंडे ने दिल्ली के लद्दाख भवन में अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें गृह मंत्रालय का पत्र सौंपा। इस पत्र में कहा गया कि मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति जो लद्दाख के प्रतिनिधियों से वार्ता कर रही थी अगली बैठक 3 दिसंबर को करेगी। वांगचुक ने कहा, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे अनशन के 16वें दिन हमारी मुख्य अपील को सुलझा लिया गया है। अभी अभी गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लद्दाख भवन आए और यह पत्र सौंपा जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार के साथ ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच चल रही बातचीत बहुत जल्द फिर से शुरू होगी।